गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज ये लुक मैं स्पेशली छठ के लिए रख कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशली। और मैंने सीधे पल्ले में साड़ी वेयर की है। आज मैं बहुत ही सिंपल लुक आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि छठ पूजा में मोस्टली जो व्रत रहते हैं वो 3 दिन का व्रत रहता है। फिर 3 दिन के व्रत में उसमें पानी भी नहीं पीना पड़ता है, तो फिर उसमें रेडी होना, बहुत सारी ज्वेलरीज पहनना, बहुत सारे मेकअप लगाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और वो बहुत इरिटेटिंग होने लगता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल लुक लाई हूँ, जिसमें आप अच्छे भी दिखेंगे और आपको ज्यादा मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। आप उसे रिक्रिएट कर सकते हो अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप उसे शेयर करो। तो सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया है अपने फेस पर अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन। मकसद से मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिनके लिए, जो व्रत रखेंगे उनके लिए स्पेशली ये बना रही हूँ, तो फिर उन्हें ज्यादा रेडी ना होना पड़े इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कलर बोर्ड यूज कर रही हूँ, हुडा गर्ल का है जो, और इसमें से मैं बहुत लाइट ही आई शेडो करने वाली हूँ आज। मेरी साड़ी में है पिंक एंड ऑरेंज, तो मैं ऑरेंज यूज कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसमें मोस्टली लोग येलो, रेड, पिंक, मतलब डार्क कलर के साड़ी पहनते हैं, और बोला जाए तो ये बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे फंक्शंस में। अगर ऐसे फंक्शंस में अगर आप पहन रहे हो ऐसी कलर की साड़ियाँ तो अच्छी भी लगती हैं। तो मैं हाफ पार्ट में पिंक करूंगी और हाफ पार्ट में ऑरेंज करूंगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं फटाफट कर दे रही हूँ। मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, जल्दी जल्दी करके मैं सटा देती हूँ। तो मैंने आई शेडो लगा लिया है, बहुत ही लाइटली लगाया है। तो मैंने आई शेडो लगा लिया है पिंक एंड ऑरेंज में, और बहुत लाइटली लगाया है, ज्यादा मैंने भर के नहीं लगाया है। आप चाहिए तो ग्लिटर लेके हल्का हल्का हाथों से टैप कर सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने हल्का हल्का अपनी आंखों पे लगा लिया है ग्लिटर, बहुत ही लाइटली लगा। तो मैंने बहुत लाइटली अपने आईब्रो सेट कर लिए हैं, अब मस्कारा लगा लेती हूँ। और अब मैं लाइनर लगा लेती हूँ, ये भी वाटर प्रूफ है लाइनर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं मैं लाइनर कैसे लगाती हूँ या फिर लिपस्टिक कैसे लगाती हूँ, अगर उसका कोई इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ब्लशर कभी भी अगर आप स्माइल करते हैं ना, तो ये वाला पार्ट जो आता है वहां पर आप ब्लशर लगाएं, और बहुत लाइटली लगाएं, क्योंकि अगर आपके फेस पे पिंक या फिर कुछ भी अलग सा दिखेगा ना तो आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा मेकअप यहाँ पे रेडी हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदी, तो मेरा लिपस्टिक भी हो चुका है और मेरी मेकअप भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो मेरा छठ का लुक ये रेडी हो चुका है, और बहुत ही सिंपली मैंने इसे बनाया है। बहुत ही ज्यादा ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये लुक।